अपने पास में एयर यूज, एयर अपन यूज करते हैं फॉर आर्क क्वेंचिंग मीडियम, फॉर एयर ब्लास्ट यूज करते हैं फॉर जिसके लिए आर्क बुझाने के लिए, और उसमें दो कांटेक्ट होते हैं। कौन कौन से कांटेक्ट होते हैं? एक होता है फिक्स कांटेक्ट, एक होता है मूविंग कांटेक्ट। मूविंग कांटेक्ट मूवेबल होता है, फिक्स कांटेक्ट क्या रहता है? फिक्स रहता है। और जब अपने पास में जब फॉल्ट आता है और फॉल्ट कंडीशन में जो मूविंग कॉन्टेक्ट है वो मूव करने लग जाता है, मूव करने से वहां पर आर्क जनरेट होती है और उस आर्क को बुझाया जाता है किसके द्वारा? एयर के द्वारा। यहीं पर अगर अपने एस एस सर्किट ब्रेकर की बात करें तो एस एस सर्किट ब्रेकर में भी अपने पास हम दो टाइप के कॉन्टेक्ट होते हैं, एक होता है मूविंग कॉन्टेक्ट और एक होता है फिक्स कॉन्टेक्ट। तो मूविंग कॉन्टेक्ट आपके पास मूवेबल होता है और फिक्स कॉन्टेक्ट क्या रहता है? फिक्स रहता है। और उसमें क्या होता है अपने पास में दो दो तरीके के क्या होते हैं? टैंक होते हैं, एक होता है हाई प्रेशर टैंक, एक होता है लो प्रेशर टैंक। मतलब हाई प्रेशर एस एफ एक्स गैस रिजर्वर टैंक और एक होता है लो प्रेशर एस एफ एक्स गैस रिजर्वर टैंक। ठीक है, तो जब अपने पास में फॉल्ट आता है दो कंडीशन होती है, एक कंडीशन कौन सी होती है? अंडर फॉल्ट कंडीशन, एक होती है अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन में दोनों कॉन्टेक्ट क्या रहते हैं? क्लोज पोजिशन में रहते हैं, और अंडर फॉल्ट कंडीशन क्या होते हैं? दोनों ही कॉन्टेक्ट क्या हो जाता है? मूव हो जाते हैं। और उनके बीच में जब जैसे ही मूव होते हैं तो मूव होने से ही जैसे ही वो क्या होते हैं वहां पर आर्क प्रोड्यूस होती है, और उस आर्क को अपन एस एच गैस के द्वारा बुझाया जाता है। और एस एच गैस का क्या होता है? हाई प्रेशर होता है, और वहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया जाता है? डी एनराइज कर दिया जाता है, मतलब डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और डिस्चार्ज करने से वहां पर जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होने से वहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो आपका करंट फ्लो है वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। और करंट फ्लो ब्रेक होने से क्या हो जाता है अपने पास में? सर्किट ओपन हो जाता है। और सर्किट ओपन होने से अपने पास में फॉल्टी जो पार्ट होता है वो क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। फॉल्टी पार्ट है वो क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से आपका क्या करता है? एस 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 सर्किट ब्रेकर काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा आपके पास में क्या है? ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो अब यहाँ पर अपन क्या यूज करेंगे? यहाँ पर जैसे आप एस 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 गैस था, एस 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 सर्किट ब्रेकर था, तो उसमें अपन एस 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 गैस ही यूज करते थे। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर था, तो उसमें अपन एयर ब्लास्ट सर्किट एयर ब्लास्ट यूज कर रहे थे। तो इस तरीके से अपने पास में क्या है? अब है ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर में तो अपन क्या यूज करेंगे? ऑयल यूज करेंगे। ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्या क्या यूज करेंगे अपन? ऑयल यूज करेंगे फॉर आर्क क्वेंचिंग मीडियम, फॉर आर्क को बुझाने के लिए। इसीलिए अपन इसको क्या बोल दिया जाता है? ऑयल सर्किट ब्रेकर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ में आया कि ऑयल सर्किट ब्रेकर क्यों यूज करते, क्यों क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि अपन इसमें आर्क क्वेंचिंग के लिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, इंसुलेटिंग मीडियम के लिए अपन क्या यूज करते हैं? ऑयल यूज करते हैं। इसीलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं? ऑयल सर्किट ब्रेकर बोल देते हैं। देखिए, ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज ऑयल एज ए डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटिंग मीडियम फॉर आर्क एक्सटेंशन। इस अपन आर्क एक्सटेंशन के लिए, आर्क क्वेंचिंग के लिए अपन क्या यूज करते हैं? ऑयल करते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए, इंसुलेटिंग मीडियम के लिए, ये सारी चीज के लिए अपन क्या यूज करते हैं? ऑयल यूज करते हैं। इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं? ऑयल सर्किट ब्रेकर बोल देते हैं। तो इन द ऑयल सर्किट ब्रेकर द कॉन्टेक्ट आर ब्रेक कॉन्टेक्ट ऑफ द ब्रेकर आर मेड टू द सेपरेट विद इन एन इंसुलेटिंग ऑयल। जो अपने पास में कॉन्टेक्ट होते हैं उन कॉन्टेक्ट को सेपरेट कर दिया जाता है वाई यूजिंग द इंसुलेटिंग ऑयल के द्वारा। जो इंसुलेटिंग ऑयल होता है उसके द्वारा आप क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। तो उससे अपने पास में क्या हो जाता है? जो इंसुलेटिंग मीडियम, इंसुलेटिंग मीडियम की तरह अपन क्या यूज करते हैं? ऑयल यूज करते हैं। तो इसलिए अपन इसको क्या बोल दिया जाता है? ऑयल सर्किट ब्रेकर बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो आप देखिए इसमें क्या होता है, जस्ट ए मिनट। ठीक, ऑयल सर्किट ब्रेकर में अपन क्या यूज कर लेते हैं? ऑयल यूज करते हैं, इसीलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं? देखिए, इसमें भी अपने पास में दो कंडीशन रहेंगे। कौन सी कंडीशन रहेंगी? अंडर फॉल्ट कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, व्हेन द फॉल्ट अकर इन द सिस्टम द कॉन्टेक्ट आर कॉन्टेक्ट ऑफ द सर्किट ब्रेकर आर ओपन अंडर द इंसुलेटिंग मीडियम। जैसे ही फॉल्ट आता है तब वो कॉन्टेक्ट क्या हो जाते हैं? मूव करने लग जाते हैं और ओपन हो जाते हैं। वो कॉन्टेक्ट क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ओपन अंडर द
इंसुलेटिंग ऑयल, जो इंसुलेटिंग ऑयल होता है उसके अंदर ही क्या हो जाते हैं, कॉन्टेक्ट ओपन हो जाते हैं एंड एंड एन आर्क इज डेवलप बिटवीन देम, और वहां पर क्या होती है, आर्क जनरेट होती है, आर्क बिल्डअप होती है, ठीक है, कौन के दोनों कॉन्टेक्टों के बीच में, एंड द हीट ऑफ द आर्क इज डेवलप वो सॉरी इवेपोरेटेड इन द सराउंडिंग ऑयल, और जो सराउंडिंग ऑयल होता है और उससे जैसे आर्क जनरेट हुई तो आर्क से क्या हुआ, हीटअप हुआ, हीट जनरेट हुई और उस हीट से अपना जो ऑयल है वो क्या हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है। एवेपोरेट का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा एवेपोरेट का मतलब क्या होता है? एवेपोरेट का मतलब क्या होता है, वो किस में चेंज हो जाता है, वाष्प में चेंज हो जाता है। वो किस में चेंज हो जाता है, वाष्प बन जाती है। सराउंडिंग द ऑयल, द ऑयल सर्किट ब्रेकर इज डिवाइडेड इंटू द टू कैटेगरी। जो ऑयल सर्किट ब्रेकर है वो उसको अपन कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, दो टाइप से, ठीक है, कौन कौन से हो गए, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड लो ऑयल सर्किट ब्रेकर। देखिए इनके नाम से पता चल रहा है, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर और लो ऑयल सर्किट ब्रेकर। बल्क का मतलब क्या होता है, बल्क का मतलब क्या होता है, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड लो ऑयल सर्किट ब्रेकर। अपने पास हम दो टाइप सर्किट ब्रेकर होगा, एक होगा बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, एक होता है अपने पास लो ऑयल सर्किट ब्रेकर। देखिए इनके नाम से पता चल रहा है, बल्क का मतलब होता है जिसमें अमाउंट ऑफ ऑयल की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, ज्यादा रहती है। लो ऑयल सर्किट ब्रेकर में मतलब जिसमें अमाउंट ऑफ ऑयल का रिक्वायरमेंट क्या रहता है, कम रहता है, तो इसलिए इसको लो ऑयल सर्किट ब्रेकर बोल देते हैं। और बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो अमाउंट ऑफ ऑयल है वो रिक्वायरमेंट कितनी रहती है, ज्यादा रहती है, मतलब हाई रहती है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड लो ऑयल सर्किट ब्रेकर। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर, जो जो ऑयल सर्किट ब्रेकर है उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर इज वेरी इजी टू कंस्ट्रक्शन, जो ऑयल सर्किट ब्रेकर उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, बहुत ही इजी है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ द करेंट कैरिंग कॉन्टेक्ट एनक्लोज इन ए स्ट्रॉन्ग वेदर टाइट अर्थ मेटल टैंक एंड द टैंक इज फिल्ड विद द ट्रांसफॉर्मर ऑयल। ये क्या होता है, टैंक टाइप में होता है, वो किसका बना हुआ रहता है, मेटल का बना हुआ रहता है, और वो टैंक पूरा फिल कर दिया जाता है किससे, जो आपके पास में ट्रांसफॉर्मर ऑयल होता है उस वाले ट्रांसफॉर्मर ऑयल से अपन क्या कर देते हैं, उस वाले टैंक को फिल कर दे जाते हैं। और वो ट्रांसफॉर्मर ऑयल किसकी तरह बिहेव करता है, इंसुलेटिंग मीडियम की तरह। द ऑयल इज बोथ एक्ट एज ए आर्क एक्सटेंशन मीडियम एंड द इंसुलेटर बिटवीन द लाइव पार्थ एंड अर्थ, लाइव पार्थ एंड अर्थ। ये इंसुलेटिंग जो जो ऑयल है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल है, वो दो काम के लिए अपने यूज में लिया जाता है। ये इससे क्या होते हैं, दो एक्ट करता है, दो एक्ट किस्म करता है, एक तो आर्क आर्क को बुझाने के लिए और एक किसके लिए, इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए, इंसुलेटर बिटवीन दोनों दोनों कॉन्ट्रेक्टर के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए। एट द टॉप ऑफ द ऑयल, एट द टॉप ऑफ द ऑयल एयर इन द टैंक विच एक्ट एज ए पोर्शन टू द कंट्रोल द डिस्प्लेस्ड ऑयल ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अराउंड द आर्क इज ऑल्सो एब्जॉर्ब द मैकेनिकल शॉक एंड अपवर्ड द मूवमेंट ऑफ द ऑयल। और इसमें क्या है, जैसे बास्प बनती है तो बास्प बनने से क्या हो जाता है, वहां पर जो एयर है वो एयर क्या हो जाती है, पिस्टन के थ्रू बाहर निकल जाती है। क्योंकि अगर मान लो अपन बास्प, जैसे मान लो अपन कुकर होता है, प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में क्या होती है, जो जैसे ही अपने पास में सीटी, वो सीटी बजती है तो सीटी क्या होती है, उसकी जो उसमें जो गैस होती है वो क्या जाती है, बाहर निकल जाती है। तो इसी तरीके से जब इसमें ऑयल बर्न होगा, ऑयल हीटअप होगा, हीटअप होने से वहां पर वाष्प जनरेट होगी और उस वाष्प को क्या कर दिया जाता है, अपने पास में बाहर निकाल दिया जाता है, डिस्प्लेस द ऑयल। और जैसे जैसे अपने पास में जैसे ऑयल की जो वो अमाउंट है वो कम होता जाता है, क्योंकि क्योंकि बर्न होता है,
तो बर्न होने से जो अमाउंट ऑफ ऑयल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो फिर अपन उसमें और डाल देते हैं और ऐड कर देते हैं। द ब्रेकर टैंक इज सिक्योरली बोल्टेड फॉर द कैरिंग आउट द वाइब्रेशन कॉज द इंटरप्टिंग द वेरी हाई करेंट। और इसको अपन किससे, जो हाई जो बोल्ट वगैरह होते हैं उनसे अपन क्या कर दिया जाता है, टैंक को टाइट कर दिया जाता है, जिससे कि जो हाई करंट फ्लो होता है, तो हाई करंट फ्लो करंट क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो उस वाइब्रेशन से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, जो बोल्टे होते हैं वो उनको क्या कर दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है। द ऑयल सर्किट ब्रेकर कंसिस्ट गैस आउटलेट विच इज फिटेड इन द टैंक कवर फॉर द रिमूवल ऑफ द गैसेस। देखिए अभी मैंने बताया था कि जो जो ऑयल सर्किट ब्रेकर है वो क्या है, अपने पास में जो ब्रेकर है वो कंसिस्ट ऑफ द गैस आउटलेट, गैस आउटलेट इसमें भी कंसिस्ट रहती है, किसमें, जो अपने पास में टैंक होता है उसमें। क्योंकि जैसे टैंक में गैस बनेगी तो वो क्या हो जाएगा, अगर उसमें अपन गैस को निकालने के लिए कोई भी पिस्टन वगैरह नहीं होगा, आउटलेट नहीं होगा, तो वो क्या होगा, वो टैंक फटने का ज्यादा चांस रहेगा। तो उसके लिए अपने पास में जैसे गैस उसमें बनती है, तो उस गैस को रिमूव करने के लिए अपन क्या कर देते हैं, उसमें आउटलेट विच इज फिटेड इन द टैंक कवर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द गैसेस। और गैस को रिमूव करने के लिए अपन क्या कर देते हैं, उसमें गैस आउटलेट अपन क्या करते हैं, फिट कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके की क्या होती है, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर की कंस्ट्रक्शन होती है इस तरीके का। इस तरीके का क्या होता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर का कंस्ट्रक्शन होता है। देखिए इसमें क्या है, ये एक एयर टैंक वो सॉरी ऑयल टैंक होता है, जिसमें अपने पास में क्या होता है, और ये किसका बना हुआ रहता है, मेटल का, ये किसका बना हुआ रहता है, मेटल का। और इसके अंदर जो अपन क्या भर देते हैं, ऑयल भर देते हैं, जिसको बोल दिया जाता है डाइलेक्ट्रिक ऑयल। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक ऑयल। और इसमें दो कॉन्टेक्ट होते हैं, एक होता है मूविंग कॉन्टेक्ट और एक होता है कौन सा, फिक्स कॉन्टेक्ट। फिक्स कॉन्टेक्ट कौन सा है अपने पास, ऊपर वाला, और मूविंग कॉन्टेक्ट कौन सा है, नीचे वाला। और जब दोनों आपस में मूव करते हैं, तो मूव करने के साथ साथ में यहाँ पर क्या जनरेट होती है, आर्क जनरेट होती है। और ये दोनों ही कॉन्टेक्ट किससे, कंडक्टर और बुशिंग से कनेक्टेड रहते हैं। बुशिंग एज ए वर्क करती है, इंसुलेटर का काम करती है, बुशिंग एज ए काम करती है किसका, इंसुलेटर का। तो इसी तरीके से जो दोनों ही कॉन्टेक्टर हैं वो कंडक्टर और किससे कनेक्टेड रहते हैं, बुशिंग से कनेक्टेड रहते हैं। इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होती है किसका, ऑयल सर्किट ब्रेकर का। ठीक है, समझ में आया, मतलब उसमें क्या होता है, एक टैंक होता है, वो टैंक किसका बना हुआ रहता है, मेटल का, और उसमें क्या रहता है, ऑयल फिलअप रहता है। और ऑयल के अंदर अपने पास में दो तरीके के कॉन्टेक्ट होते हैं, एक तो होता है फिक्स कॉन्टेक्ट, एक होता है मूविंग कॉन्टेक्ट। और जब दोनों ही कॉन्टेक्ट मूव करते, तो मूव करने के साथ साथ में क्या क्या जनरेट होती है, वहां पर आर्क जनरेट होती है। और दोनों ही कॉन्टेक्टर के साथ में क्या है, कंडक्टर और बुशिंग कनेक्टेड रहते हैं, और उनसे क्या हो जाता है, अपने पास में सप्लाई फ्लो होती रहती है। तो बताइए किसी को कहीं कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम है क्या, ऑयल सर्किट ब्रेकर की कंस्ट्रक्शन में किसी कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएं, ऑयल सर्किट ब्रेकर की कंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या करता है, बना हुआ रहता है। बताइए किसी कोई प्रॉब्लम है क्या, समझ में आ गया। हेलो आशिक, इरफान, अनुज, गणेश, दुष्यंत, ओके। चलिए देखिए अब इसके बाद आता है अपने पास में क्या है, ये तो क्या थी, आपके पास में इंट्रोडक्शन ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर हो गया, उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर हो गया। अब यहाँ से देखिए वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर, तो जो ऑयल सर्किट ब्रेकर वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, ड्यूरिंग द नॉर्मल, अब मैंने आपको हर एक उसमें सर्किट ब्रेकर में बता रहा हूँ, दो कंडीशन होती है, कौन कौन सी कंडीशन होती है, कौन बताएगा, किसी भी सर्किट ब्रेकर में आपके पास हम दो कंडीशन होते हैं, कौन कौन सी कंडीशन होती है, गणेश,
भूषण, दुष्यंत, कौन सर। कौन सी कंडीशन होती है? हर एक सर्किट ब्रेकर में मैं दो कंडीशन बता रहा हूँ, कौन कौन सी कंडीशन होती है? सर एक एयर एंड एक ऑयल कंडीशन। नहीं, हाँ सर नॉर्मल कंडीशन एंड 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 दूसरी कौन सी बताओ बताओ। एक तो सर सही बात, देखिए हमेशा किसी भी सर्किट ब्रेकर में दो कंडीशन होती है, सभी सर्किट ब्रेकर में मैं बता रहा हूँ। एक होती है अपने पास में कौन सी, नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। दूसरी कौन सी कंडीशन होती है? जब फॉल्ट आ जाए तो, मतलब फॉल्टी कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर फॉल्ट कंडीशन, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में किस तरीके से सर्किट ब्रेकर काम करता है, फॉल्ट कंडीशन किस तरीके से सर्किट ब्रेकर काम करता है, तो वो अपन को एक्सप्लेन करनी होती है, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर अपने पास में किस तरीके से दो दो कंडीशन में काम करता है, एक होता है अंडर नॉर्मल कंडीशन, एक होता है अपने पास फॉल्ट कंडीशन। तो देखिए, ड्यूरिंग द अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, द कॉन्टेक्ट ऑफ द ऑयल सर्किट ब्रेकर आर एज क्लोज्ड एंड कैरी द करेंट, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में दोनों कांटेक्ट कैसे रहते हैं? क्लोज पोजिशन रहते हैं, मतलब आपके पास में कोई भी फॉल्ट नहीं आया है, फॉल्ट नहीं आया, तो उस कंडीशन में उसमें क्या होगा, ये दोनों ही कांटेक्ट कैसे रहते हैं? क्लोज पोजिशन में रहते हैं, और क्लोज पोजिशन में रहते हैं तो उससे अपना क्या है, नॉर्मली करेंट फ्लो होता रहता है, ठीक है। यस व्हेन द फॉल्ट अकर इन द सिस्टम, द कॉन्टेक्ट ऑफ द ब्रेकर आर मूविंग मूविंग अपार्ट द एंड आर्क इन आर्क इज स्ट्रक बिटवीन द कॉन्टेक्ट। और जब अपने पास फॉल्ट कंडीशन आ जाता है, मतलब फॉल्ट आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो मूविंग कॉन्टेक्ट है वो मूव करने लग जाता है, और मूव करने के साथ साथ में वहां पर क्या जनरेट होता है, आर्क जनरेट होता है, आर्क स्ट्रक होता है बिटवीन बिटवीन द कॉन्टेक्ट, जो कॉन्टेक्ट होते हैं कॉन्टेक्टों के बीच में, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन दोनों कॉन्टेक्ट आपस में कनेक्टेड रहते हैं, और फॉल्ट कंडीशन जो मूविंग कॉन्टेक्ट वो मूव करने लग जाता है, और मूव करने के साथ साथ में क्या हो जाता है, वहां पर आर्क जनरेट होती है, वहां पर आर्क प्रोड्यूस हो जाती है, और उस आर्क को बजाने के लिए अपन अलग अलग मीडियम यूज करते हैं, और तो उन्हीं मीडियम के अकॉर्डिंग अपन क्या रख दिया जाता है, नाम देते हैं। देखिए, ड्यू टू दिस आर्क, अब जो आर्क जनरेट हो गई, फॉल्ट आ गया, फॉल्ट आने के साथ साथ में मूविंग कॉन्टेक्ट क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा, मूव करने के साथ साथ में क्या जनरेट हो जाती है, वहां पर आर्क जनरेट हो जाती है। तो देखिए, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लाइब्रेटेड, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लाइब्रेटेड एंड वेरी हाई टेम्परेचर इज रीच्ड व्हिच द वेपराइज द सराउंडिंग ऑयल इनटू द गैस। अब देखिए, जैसा ही हीट हुआ, हीट होने से जो आपका ऑयल है वो ऑयल क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। वेपराइज का मतलब क्या होता है, वाष्प में चेंज हो जाएगा, और वाष्प में चेंज होने से वो किस में चेंज हो जाता है, गैस में, तो उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। द गैस दिस लाइब्रेटेड सराउंडिंग द आर्क एंड इट्स एक्सप्लोसिव ग्रोथ अमाउंट इट डिस्प्लेस द ऑयल बॉयलेंटली, द आर्क इज एक्सटेंस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स कॉन्टेक्ट एंड मूविंग कॉन्टेक्ट रीच ए सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू, डिपेंड ऑन द आर्क एंड रिकवरी वोल्टेज, ठीक है। तो जैसे ही आर्क जनरेट हुई, आर्क जनरेट होने से हीट जनरेट हुई, और उस हीट से जो अपने पास में जो ऑयल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो गया, और वेपराइज होने से उनके बीच में प्रेशर हुआ, और प्रेशर होने से जनरेट हुई मूविंग कॉन्टेक्ट क्या रहा, मूविंग पोजिशन रहा, मतलब आपके पास में क्या रहा, ओपन कंडीशन रहा, और उस ओपन कंडीशन से ही आपका क्या हुआ, सर्किट ब्रेक हो गया, और सर्किट ब्रेक होने से जो फॉल्टी पार्ट है वो क्या हो गया, हट गया, और जो अनफॉल्टी पार्ट था वो क्या रहेगा, कनेक्टेड था। तो इस तरीके से क्या करता है, ये ऑयल सर्किट ब्रेकर काम करता है, इस तरीके से ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या करता है, वर्क करता है। देखिए,
ऑयल सर्किट ब्रेकर इज वेरी रिलायबल इन द ऑपरेशन, जो ऑपरेशन है इसका वो बहुत ही कैसा है, बहुत ही रिलायबल है। इट इज वेरी चीप एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द ऑयल सर्किट ब्रेकर इज दैट नो स्पेशल डिवाइस आर यूज फॉर द कंट्रोलिंग द आर्क कॉज्ड बाय द मूविंग कॉन्टेक्ट। द ऑयल इज एन आर्क क्वेंचिंग मीडियम एज ए सर्टेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसमें अपन को कोई एक्स्ट्रा डिवाइस यूज नहीं करनी पड़ती है, किसके लिए? फॉर आर्क क्वेंचिंग मीडियम के लिए। आर्क क्वेंचिंग मीडियम के लिए मतलब अपने पास में कंट्रोलिंग के लिए, आर्क को कंट्रोल करने के लिए अपन कोई सा भी दूसरा कॉन्टेक्ट यूज नहीं करते हैं, और इसमें ओनली अपन यूज करते हैं क्या, ऑयल यूज करते हैं फॉर आर्क क्वेंचिंग मीडियम। जो ऑयल है उसी से अपन क्या कर दिया जाता है, आर्क को बुझाया जाती है, बुझा दिया जाता है। इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो अपने पास में नेक्स्ट देखिए क्या 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 है। एडवांटेज ऑफ ऑयल एज एन आर्क क्वेंचिंग मीडियम, ठीक है, क्या क्या एडवांटेज? द ऑयल हैज द हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड प्रोवाइड द इंसुलेटिंग बिटवीन द कॉन्टेक्ट आफ्टर द आर्क हैज बीन द एक्सटेंस्ड। जैसे ही आर्क आपके पास में बुझ जाती है, आर्क बुझने के साथ में ये क्या क्या करता है कि दोनों ही कॉन्टेक्ट और बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड कर देता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है और इंसुलेशन प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरीके से आपका ऑयल क्या क्या है, ये एडवांटेज है। द ऑयल यूज इन सर्किट ब्रेकर प्रोवाइड अ स्मॉल क्लियरेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड कंपोनेंट। जो अर्थ कंपोनेंट है और जो अपने पास में क्या है कंडक्टर है, उन दोनों के बीच में क्या है, एक छोटा सा क्लियरेंस, एक छोटा सा डिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि दोनों के बीच में क्या नहीं हो, कॉन्टेक्ट नहीं हो पाए। द हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म इन द टैंक विच हैज हाई डिफ्यूजन डिफ्यूजन रेट एंड गुड कूलिंग प्रॉपर्टी। इसकी क्या है, गुड कूलिंग प्रॉपर्टी होती है और हाई डिफ्यूजन रेट होती है, तो ये भी इसका क्या एक एडवांटेज है। इसके बाद है आपके पास में डिसएडवांटेज ऑफ ऑयल एज एन ए आर्क क्वेंचिंग मीडियम। द ऑयल यूज्ड इन ऑयल सर्किट ब्रेकर इज इनफ्लामेबल एंड हैंस कॉज अ फायर फायर हैजर्ड। अब यहाँ पर क्या है, ऑयल ही अपन यूज कर रहे हैं तो उससे अपने पास में एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर कहीं आग नहीं लग जाए, तो जो आग लगने का चांस है, आग लगने का जो खतरा है वो क्या है अपने पास में, एक तरीके का डिसएडवांटेज है। देयर इज अ रिस्क ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लोजिव मिक्सचर विद द एयर। एक तरीके से अपने पास में क्या है कि उसमें जो ऑयल है उसमें कहीं एयर मिक्स नहीं हो जाए, एक डिसएडवांटेज अपने पास में ये है कि उसका रिस्क रहता है कि कहीं उसमें जो अपने पास में जो ऑयल है उसमें कहीं क्या नहीं हो जाए, मिक्स एयर मिक्स नहीं हो जाए। ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ ऑयल ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ ऑयल इन द आर्क द कार्बन पार्टिकल्स इज जनरेटेड विच द पॉल्यूट द ऑयल एंड हेंस द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑयल क्लियरेंस सॉरी ऑयल डिक्रीज। और जैसे ही अपने पास में क्या होता है, ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑयल इन द आर्क, जो ऑयल है वो क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, मतलब अपने पास में बर्न हो जाता है, जलता जल जाता है। तो कार्बन पार्टिकल इज जनरेटेड, जो कार्बन के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ब्लैक ब्लैक धुआं निकलता है वो क्या हो जाता है, वो जनरेट होते हैं विच पॉल्यूट द ऑयल। और वो जो ऑयल होता है उसको क्या कर दिया जाता है, पॉल्यूट कर दिया जाता है और वो क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। एंड हेंस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑयल डिक्रीज। और इस कारण से जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ऑयल की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरीके से आपके पास में क्या हो जाता है, ये डिसएडवांटेज ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर, ये क्या हो जाता है अपने पास में, ऑयल सर्किट ब्रेकर के डिसएडवांटेज। इसके बाद आता है आपके पास मेंटेनेंस ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर का किस तरीके से अपन मेंटेनेंस करते हैं, क्या चीज होती है, तो ये आफ्टर द सर्किट ब्रेकर हैज द इंटरप्टेड बाय द शॉर्ट सर्किट करेंट सम टाइम देयर कॉन्टेक्ट में गेट वर्न ड्यू टू द आर्किंग एंड ऑल्सो द डाइलेक्ट्रिक ऑयल गेट कार्बनाइज
इन द एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट देयर बाय लूजिंग इट डायलेक्ट स्ट्रेंथ एंड दिस रिजल्ट इन द रिड्यूस्ड ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्रेकर. देयर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर इज एसेंशियली फॉर चेकिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द ऑयल एंड कॉन्टेक्ट. अब होता क्या है, कभी कभी जो कॉन्टेक्ट लगे रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, वर्न हो जाते हैं. जो कॉन्टेक्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वर्न हो जाते हैं, मतलब जल जाते हैं. तो उनको अपन को क्या करना होता है, टाइम टू टाइम रिप्लेस करना होता है. और जो आपका जो ऑयल है वो ऑयल क्या हो जाता है, जल जाता है. जो ऑयल का जो अमाउंट है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है. और ऑयल की जो डाइलेक्ट स्ट्रेंथ है अगर वो कम होती जाती है तो एक टाइम पर क्या होना चाहिए, जो ऑयल है उसको अपन क्या कर देते हैं, रिप्लेसमेंट कर देते हैं. जो ऑयल है उसको अपन क्या कर देते हैं, रिप्लेसमेंट कर देते हैं. तो इस तरीके से अपने पास में क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर के, ऑयल सर्किट ब्रेकर का क्या होता है, मेंटेनेंस किस तरीके से. अब यहाँ पर दिखाया गया है कि बल्क ऑयल एंड मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर. अब यहाँ पर जो आपके पास में टाइप थे कि बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या होता है, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या होता है, तो उसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. जिस तरीके से आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर मीन्स द ऑयल सर्किट ब्रेकर इज ऑयल सर्किट ब्रेकर विच एज ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑयल फॉर आर्क एक्सटेंशन इज कॉल्ड एज ए बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर. इसमें अपने पास में जो अमाउंट ऑफ ऑयल की रिक्वायरमेंट रहती है वो क्या रहती है, लार्ज रहती है, मतलब ज्यादा रहती है. इसीलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर. सच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज नॉन एज ए डेड टैंक टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर. डेड टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर कॉज ऑफ देयर टैंक इज हेल्ड एट ए ग्राउंड पोटेंशियल. द क्वालिटी ऑफ ऑयल रिक्वायर्ड इन द बल्क ऑयल इज सर्किट ब्रेकर डिपेंड ऑन द सिस्टम वोल्टेज. इफ द आउटपुट रेटिंग ऑफ वोल्टेज 110 kV then the requirement oil 8 to 10,000 kg of oil. ठीक है, the quantity of oil requirement is bulk oil circuit breaker depend on the system voltage and if the output rating voltage is 110 kV then the required oil 8 to 10,000 kg of the oil. If their output is 220 kV then the breaker needs of 50,000 kg of oil. मतलब अगर आपके पास में कोई भी लाइन है, कोई भी सर्किट, कोई भी जो भी आपके पास सर्किट है अगर वो 110 kV का है, 110 kV का है, तो उसमें आपके पास में जो ऑयल की क्वांटिटी रिक्वायरमेंट रहेगी वो कितनी रहेगी, आपके पास में 8 to 10 kg, 8 to 10,000 kg, 8 to 10,000 kg. एंड अपने पास में 220 kV का है, तो 220 kV के में क्या रहेगा अपने पास में कि 50 kg ऑफ ऑयल की रिक्वायरमेंट रहती है. इसमें 50 kg ऑयल की अपने पास में ज्यादातर रिक्वायरमेंट रहती है. अगर 50 kg अपने पास में ऑयल है तो उससे आपका क्या है, 220 kV तक आप क्या है वोल्टेज यूज कर सकते हो. 220 kV तक आप वोल्टेज आउटपुट दे सकते हो. इस तरीके से अपने पास है वाल्व कॉइल सर्किट ब्रेकर की आपके कंस्ट्रक्शन मैंने पहले ही बता चुका हूँ. तो इस तरीके से आपको क्या है वाल्व कॉइल सर्किट ब्रेकर की कंस्ट्रक्शन. इसमें देखिए इसके बाद है आपके पास है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर. ठीक है, बल्क ऑयल में आपके पास अमाउंट ऑफ जो ऑयल का रिक्वायरमेंट रहता है वो बल्क रहता है. वर्किंग प्रिंसिपल आपका सेम ही है. जिस तरीके से अपने पास ऑयल सर्किट ब्रेकर काम करता है उस तरीके से आपका SSS सर्किट ब्रेकर भी काम करता है. और उसी तरीके से अपने पास जो मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर वो भी काम करेगा. देखिए उसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर मिनिमम ऑयल इज यूज फॉर एज ए
आर्क क्वेंचिंग मीडियम, इसमें क्या है जो अमाउंट ऑफ जो ऑयल की रिक्वायरमेंट रहती है वो क्या रहती है, मिनिमम रहती है फॉर द आर्क क्वेंचिंग मीडियम। इट इज माउंटेड ऑन द पोर्सलिन इंसुलेटर टू द पोर्सलिन इंसुलेटर एंड द अपर पोर्सलिन एनक्लोज टू द कॉन्टेक्ट। द सर्किट ब्रेकर इज ऑफ द सिंगल सर्किट ब्रेकर टाइप ऑफ इन विच मूविंग कॉन्टेक्ट ट्यूब मूव इन ए वर्टिकल लाइन एंड मेक द ब्रेक कॉन्टेक्ट विद द अपर फिक्स कॉन्टेक्ट एंड माउंटेड विद इन द आर्क कंट्रोल डिवाइस। मीन्स इसमें दो कॉन्टेक्ट इस तरीके से लगे रहते हैं, एक होता है फिक्स कॉन्टेक्ट, होता है मूविंग कॉन्टेक्ट, और जब उन दोनों के बीच आर्क जनरेट होती है तो उसके लिए अपन क्या कर देते हैं, एक आर्क कंट्रोल डिवाइस यूज कर देते हैं, जिससे अपने पास जो आर्क को जनरेट होते हैं उस आर्क को अपन कंट्रोल कर पाते हैं, उस आर्क को अपन क्या कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। तो इस तरीके से आपके पास में क्या है, ऑयल सर्किट ब्रेकर। अब देखिए इसके पास में क्या आता है, देखिए इसमें सबसे टॉप पे पहले तो आप देख रहे होंगे ये चैम्बर, ये चैम्बर किसका बना हुआ रहता है अपने पास में, ये चैम्बर है अपने पास में ये बना हुआ है, तो इसको बोल दिया जाता है टॉप चैम्बर, और नीचे जो बना हुआ रहता है उसको अपन लो चैम्बर बोल दिया जाता है। और इसमें जो ऑयल भरा हुआ है वो क्या है अपने पास में, उसको बोल दिया जाता है अपने पास में ट्रांसफार्मर ऑयल। और इसमें क्या है सबसे नीचे है अपने पास में ड्रेन वाल्व, ड्रेन वाल्व का मतलब नीचे कोई भी गंदगी वगैरह रह जाती है तो उस गंदगी को अपन क्या कर देते हैं, उस वाल्व के थ्रू क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। ऑपरेटिंग रॉड, और ये वाली जो रॉड लगी रहती है, इस वाली रॉड से क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग हो जाता है। सपोर्टिंग चैम्बर, एक क्या है अपने पास में सपोर्टिंग चैम्बर है, ड्रेन वॉल्व है, मूविंग कॉन्टेक्ट है, फिक्स कॉन्टेक्ट है, एंड ऑयल लेवल डिटेक्टर है, गैस वेंट एंड आर्क एक्सटेंशन डिवाइस है, एंड लोअर फिक्स डिवाइस है, टर्मिनल्स है। ये सारी इसके क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन होते हैं कि क्या किस किस से मिलकर बना रहता है, कौन सा, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। ठीक है, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर आपका इस तरीके से काम करता है, इनक्रीज द डिस्चार्ज एंड दिस दिस दिस। और इसके बाद में आता है अपने पास में क्या, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर किसी को कोई भी, अगर यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो, ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर अपने पास दो टाइप के ऑयल सर्किट ब्रेकर होते हैं, तो एक होता है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, एक होता है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो अमाउंट ऑफ ऑयल है वो क्या यूज करते हैं, मिनिमम यूज करते हैं, और बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो अमाउंट ऑफ ऑयल है वो क्या यूज करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, और इसको क्या बोल दिया जाता है, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। जो नॉर्मल ऑयल सर्किट ब्रेकर होते हैं उनके अपन कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया और वर्किंग पढ़ ली, और कंस्ट्रक्शन में इसमें क्या होता है, एक ऑयल रिजर्वर, वो ऑयल टैंक होता है जिसमें अपने पास दोनों ही कॉन्टेक्ट डिप्ड रहते हैं, दोनों ही कॉन्टेक्ट इसमें अंदर की साइड रहते हैं, और जैसे ही दोनों कॉन्टेक्ट अंदर की साइड रहते हैं तो वो किससे कनेक्टेड रहते हैं, दो कॉन्टेक्ट होते हैं मूविंग कॉन्टेक्ट और फिक्स कॉन्टेक्ट, उससे अपने पास में दोनों ही कॉन्टेक्ट कनेक्टेड रहते हैं, और उसी के साथ में ये दोनों कॉन्टेक्ट कनेक्ट रहते हैं आपके पास है बुशिंग, और बुशिंग से कनेक्टेड रहते हैं अपने पास कंडक्टर। इस तरीके से आपके पास में क्या काम करता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर काम करता है। पता है किसी कोई डिफिकल्टी, किसी कोई प्रॉब्लम बताइए। बताइए किसी कोई समझ में नहीं आया हो तो, एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, समझ में आ गया सबकी, ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड ऑयल सर्किट ब्रेकर इज ऑल्सो टू टाइप, वन इज द बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड सेकेंड इज द मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर किस तरीके से काम करता है, बल्क यानी मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर किस तरीके से काम करता है, और उसमें 110 kV तक अगर अपन यूज कर रहे हैं, 110 kV का अपन वोल्टेज लगा रहे हैं, तो उसमें आपका जो ऑयल ऑफ अमाउंट है वो क्या है, 8 to 10,000, 8 to 10,000
लीटर की वो केजी की अपने क्या होगी ऑयल की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर अपन 220 KB तक यूज कर रहे हैं तो 220 KB तक अगर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अब जो अमाउंट ऑफ ऑयल की रिक्वायरमेंट रहेगी वो कितनी रहेगी, 50,000। 50,000 वो केजी के तक अपन को क्या रहेगी अमाउंट ऑफ ऑयल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इस तरीके से आपको क्या करता है वाल्व ऑयल सर्किट ब्रेकर काम करता है। मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में अपने पास में जो ऑयल सर्किट ब्रेकर है उसकी क्या है जो अमाउंट ऑफ ऑयल है वो क्या रहता है कम रहता है, तो इसलिए अपन उसको क्या बोल देते हैं मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर बोल देते हैं। जिस तरीके से इसकी क्या होती है कंस्ट्रक्शन बनी हुई रहती है और इसमें अपने पास में दो तरीके कॉन्टैक्ट लगे रहते हैं, एक लगा रहता है फिक्स कॉन्टैक्ट एक लगा रहता है मूविंग कॉन्टैक्ट, और दोनों ही कॉन्टैक्ट इसमें डिप रहते हैं। ये दोनों ही कॉन्टैक्ट डिप रहते हैं आपके इसमें एक चैम्बर में ये दोनों कॉन्टैक्ट रहते हैं। जैसे ही इन दोनों के बीच में क्या होती है आर्क जनरेट होती है तो उस आर्क को बुझाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं ऑयल यूज करते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है ऑयल सर्किट ब्रेकर बोल दिया जाता है, इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर। ठीक है, और इसमें मिनिमम ऑयल यूज करते थे इसलिए इसको मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर बोल देते हैं। बताइए किसी की समझ में नहीं आया हो तो बताएं। अगली क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपने पास में कौन सा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर अपन नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी अगर नहीं समझ में आ जाता है तो एक बार रिवाइज कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो अगली क्लास में अपन फिर दोबारा से इस पर डिस्कस कर लेंगे। तो अभी तक अपन ने 3 सर्किट ब्रेकर कवर कर लिए, एक था अपने पास सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, ये दो टाइप के थे बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। ठीक है, उससे पहले पढ़ा था अपने एसएसएस सर्किट ब्रेकर जिसमें अपन एसएसएस गैस यूज करते थे, ऑयल सर्किट ब्रेकर में अपन ऑयल यूज कर रहे हैं, और उससे पहले था अपने पास में एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में अपने पास में तीन टाइप के क्या होते थे ब्लास्ट होते थे। कौन कौन से वो कौन कौन से अपन ब्लास्ट यूज करते थे उनको बोल दिया जाता था अपने पास में कौन कौन से, एक्सेल ब्लास्ट एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, रेडियल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर एंड क्रॉस एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ये आपके क्या है कुछ कुछ आपके एमसीक्यू है जो एमसीक्यू रिलेटेड है विद आपके पास जो आपके जो सेकंड यूनिट है उससे आपके पास रिलेटेड है, तो एमसीक्यू डिस्कस कीजिएगा, डिस्कस आपके पास स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस पे आपके पास है ये एमसीक्यू भी आप कवर कर सकते हो। सर ये पीडीएफ सर आप प्रोवाइड कर दीजिए ना सर ग्रुप में। यस सर, ठीक है, मैं आपको ये भेज दूंगा और इसकी जो दोनों यूनिट की मैं पीडीएफ जो पीपीटी है वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ। यस सर। सर जो ठीक कॉलेज है, रीओपनिंग से रिलेटेड नोटिस था सर, हाँ उसमें सर जो वैक्सीनेशन नहीं लगाया होगा सर उनको आने का अलाउ नहीं है सर। वैसे तो देखिए नहीं है पर अभी तो लगवा लीजिएगा सर सर, अभी अभी तो अगर 18 साल आधार नहीं हुआ सर, 18 साल तो नहीं हुआ सर। कार्ड के हिसाब से सर 18 साल नहीं हुआ सो नहीं लग रहा है वे वैक्सीन। अच्छा, तो फिर यस रहने दीजिएगा, फिर तो आप आ जाइएगा। और फिर भी सर जी जो फॉर्म वगैरह के टैबलेट वगैरह या और कुछ अपने पास में भी रखिएगा। सर, बिल्कुल स्वस्थ है हम लोग। नहीं, स्वस्थ यस तो है पर फिर भी अपने पास में सर 10 10 तारीख तक सर आएंगे आना है कॉलेज में। क्यों 10 तारीख तक क्यों आना है आपको, तो 1 तारीख को बुलाया जा रहा है ना। सर 1 तारीख से ही है क्लास ओपन। हाँ, 1 तारीख से आपके वो तो आ तो गया नोटिस है कि 1 तारीख के वेडनेसडे से आपको ज्वाइन करना है कॉलेज, और कुछ नहीं कह सकते। 1 तारीख से आप मिड टर्म भी रख दिए जा सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास में जो मिड टर्म एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड कर दिए गए हैं ड्यू टू द सेकेंड सेमेस्टर जो मेन एग्जाम चल रहा है उसकी वजह से। कह तो सर ये मिड टर्म तो सर ऑनलाइन ना होगा। नहीं सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकता है ऑनलाइन भी हो सकता है। सर आज लाइव होगा क्या? लैब आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट बनाया क्या?
सर वो पीपीटी बनाया है, वो क्या प्रोजेक्ट का? पीपीटी तो प्रोजेक्ट लैब का बनाया था, इसका मैंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ जीएसएस वगैरह का सिंगल यस सर, लाइन डायग्राम दिया था। तो वो बनाया है कि नहीं बनाया है? वो अगर आप प्रोवाइड कर दोगे वो बना के मेरे को सेंड कर दीजिएगा। और मेरे को क्या है अभी उसका अभी 2 बजे से क्या है उनका एग्जाम है, तो उसमें इशू आ रहा है उसका सेकंड सेम वालों का, तो उसका उनका मेरे को इशू रिजॉल्व करवाना है। क्योंकि वो क्या है जो LMS है वो क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है, किसी का ओपन नहीं होता है। ओके सर, तो लैब नहीं होगी सर?